Taken back? Very good. Yeah. Wow, ये तो इसने बोले थे कि वापिस दे दी दी. Ciao, bye. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे. आप सबको एक मरतबा फिर मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक. और आज ईद का पहला दिन है और आज व्लॉग है वो मैंने ईद नमाज से शुरू किया था. हम पूरी फैमिली आज ईद नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए थे. बहुत अच्छा महसूस हो रहा था. मैं पहली मरतबा गई हूँ, इससे पहले मैं नहीं गई, तो बड़ा अच्छा लगा जाके और काफ़ी रौनक थी. बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा. वहाँ पे मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था. सब एक दूसरे में गिफ्ट्स बांट रहे थे, कैंडीज और ये वो, काफ़ी चहल पहल थी मस्जिद में. तो आज बहुत ही अच्छा महसूस हुआ. तो चले फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. ईदी वाला सीन देखना है तो व्लॉग को आखिर तक देखिएगा. मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बना सकूँ. और इसके अलावा यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मीठा, और क्योंकि नमाज से पहले ज़रा शीर खुरमा खाना अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे टेबल पे बच्चों के लिए चॉकलेट्स और शीर खुरमा और साथ में कुछ फ्रूट रख दिया था. नाश्ता हमने नहीं करना था आज, मैंने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था. तो अभी बस हम लोग सिर्फ ये थोड़ा सा शीर खुरमा खा के फिर निकल जाएंगे. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए. और आज मैं पहनने लगी हूँ ये अबाया, और ये मेरा नया अबाया है. तो नए अबाया के साथ ईद की नमाज़ जाके पढ़ते हैं. और ठहरे सामने से दिखाती हूँ, ये मैंने आप लोगों को पहले दिखाया हुआ है और इसको मैंने पहना नहीं था. आज पहनूँगी इसको. तो ये है जी, और उष्णा जो है वो ये अबाया पहनने लगी है. तो बस अभी चलते हैं. और अब मीरब के भी मैंने ड्रेसेस निकाले हुए हैं. आज हम सब ने मैचिंग करनी है, ब्लैक पहनना है हमने. तो अभी मैं उनको यहीं पहना के जा रही हूँ. तो चलें ज़रा जल्दी से इनको तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे. मीरब हुरब तैयार हो चुकी हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की. यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक कौन कहेगा? ओके ओके, चलें बस मैं भी अबाया पहन लूँ तो फिर चलते हैं. इरफान उठ गए हैं और पहले नमाज से पहले मीठा खाना सुन्नत है. थोड़ा सा मीठा खाएंगे फिर उसके बाद निकलते हैं नमाज के लिए. फजर की नमाज़ पढ़ ली है सबने. चलें आप लोग चॉकलेट ले लें. उसे यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक कह दें. उष्णा आप सामने देख के ईद मुबारक. ईद मुबारक YouTube फैमिली. अभी यहाँ पे सब मुंह मीठा कर रहे हैं, लेकिन अपने कपड़ों को नहीं लगाना. ओके, आप खाओ मेरा बेटा, आप खाओ. मैं वो ले लूँगी, खजूर ले लूँगी या फिर सवैया चॉकलेट्स बच्चों के लिए. मेरे पास बैठ जाओ ना बेटे, आ जाओ. कैसा उसे शूज पहनो बेटे, सैंडल्स बाहर हैं आपके. ये क्या हो गया? आजो बेटा आजो. चलो आओ. क्या कह रहे थे फाना? मैंने कहा तकबीर जो होती है ना ईद में, तो पाकिस्तान में 6 पढ़ते हैं वो. अच्छा, 3-1 रकत में 3 उसके बाद. जो सऊदीया में ऑल 6 फिका, फिका 6 फिका एंड 1 है. कृष्णा ले लो. ईदी मिली. चले भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली हम लोगों ने. ईद मुबारक एक बार फिर आप सबको. ईद मुबारक मेरा बच्चा. ईद मुबारक. घर चल के ईदी. अभी तो नींद आ रही है सबको. अभी तो मैंने कहा नींद आ रही है. क्या हो गया? क्या? I'm getting 100. She's saying I shouldn't get 100. अच्छा चलो उधर हो जाओ ना. वो रोबोट. अच्छा इसको रोबक्स चाहिए इसको. अच्छा चलो चलो अच्छा चलो. Only 10 robux.
सबने अपनी अपनी डिमांड्स बताना शुरू कर दिए सिवाय मेरे। ईद नमाज पढ़ने के बाद सब आके सो गए थे और मैं फिर जल्दी उठ गई थी, बच्चे सोए हुए थे, सोचा उनके उठने से पहले खाना तैयार कर लूँगी, फिर जब उठेंगे तो गर्मा गर्म फिर सब साथ मिलके खाना खा लेंगे। और जी खाने में मैंने चाइनीज़ बनाया था, रोज़ बिरयानी खा खा के तंग आए हुए थे, रमज़ान में काफ़ी मर्तबा खा ली थी, तो अभी मैंने जो है वो चाइनीज़ राइस बनाए थे, साथ में मैंने चिकन टिक्का बनाया था और चाइनीज़ राइस के साथ मैंने सेसमी हनी चिकन बनाया था। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, याद आया तो लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये मंचूरियन से ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मिलती जुलती रेसिपी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हनी और सेसमी सीड्स का मतलब इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, तो उसका ज़्यादा मुझे अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये है खाने की टेबल और सिंपल सा मैंने खाना बनाया था, क्योंकि हमें जो है वो नेक्स्ट डे कहीं निकलना था, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो बस उसके बाद बच्चे उठ के आ गए थे, खाना एंजॉय किया। उष्णा इस वक्त पजामाज में है, लेकिन उसको खाना खाना है और उष्णा की इस वक्त एक्साइटमेंट में आवाज़ें। उष्णा का फेवरेट फूड है ना चाइनीज़, बहुत मज़े का खाना लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बस अभी खाना खा के फारिग हुए हैं और आज तैयार होने को दिल नहीं कर रहा था, आज कोई ख़ास एक्टिविटी तो थी नहीं, तो बस यूँ समझ लें कि जो आधा दिन है वो लेज़ी गुजरा है। तो बस अभी रात के जो है ना 8 बज गए हैं, तो अभी फिर मैंने सोचा कि चलें एक दो पिक्चर्स बना लेते हैं तो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हमारा ये सिलसिला है कि हम लोग रात को एक्टिव होते हैं, तो अभी भी काफ़ी टाइम हो गया सबको तैयार होते होते, और सुबह जब तैयार हो गए थे तो फिर उसके बाद बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा था तैयार होने को। जब उठे हैं तो उस वक्त खाना खाया, फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि मामा अब तैयार नहीं होते। मैंने कहा पिक्चर्स तो हमने बनाई नहीं है, एटलीस्ट पिक्चर्स ही बनवा लेते हैं। और सिस्टर मुझे कह रही थी कि अभी तक तुम्हारी पिक्चर्स नहीं आई हैं। मैंने कहा अभी मैं तैयारी नहीं हुई, खाना बनाने में लगी हुई थी, और बस अभी मैं फ्री हुई तो फिर सोचा कि चलें पिक्चर्स बनाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ब्रेसलेट पहनने लगी हूँ और इसके साथ ये रिंग, और इसके अलावा ये मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ। हो गई तैयार, अभी नीचे चलते हैं, बच्चों ने इरफान से ईदी भी लेनी है और देखते हैं कि इरफान कितनी ईदी देने वाले हैं बच्चों को। इरफान आपकी तबीयत ठीक है? इरफान की आज थोड़ी सी तबीयत खराब थी, थोड़ी नहीं ज्यादा। ईद मुबारक भाई भाई, ईद मुबारक, पापा से लेंगे, पापा देंगे आपको ईदी। ये मैं ईदी ना, ओ वो बच्चा मेरा बच्चा, पहले अच्छे से बाबा को ईद मुबारक बोलो, फिर ईद ही लेना। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कौन सी ईद है ये? ईदी क्या होती है? ईदी मनी होती है। वो जो रोबोट की है वो, आपने तो रोबोट ले लिए। वेट कर रहे थे बच्चे। हाँ चलो आ जाओ बेटा, ईद मुबारक। थैंक यू, कौन बोलेगा? आज तो सैद और पापा की मैचिंग हो रही है ना एक जैसे। कैमरे की तरफ देखिए दोनों, कैमरे की तरफ से YouTube फैमिली आपको देख सकेगी ना। इधर इधर साथ खड़े हो, साथ खड़े हो ना पापा के। ऐसे आज हम सबकी मैचिंग हो रही है, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं सब। आ जाओ बेटे, आए, कम ऑन,
इधर आप सबको हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक और रमजान की बरकतें मुबारक। आ जाओ मेरा बेटा मीरा की उर्दू, आ जाओ मेरा बेटा। ऐसी उर्दू कहाँ से सीखी है? उन्होंने तो वापिस दे दी, और आपने कितने आराम से अंदर रख लिए, तो मम्मा लेती है। नहीं मैंने कहा पांच बच्चों की दी तो मामा रखती है, आपने क्यों रख ली? मुझे रहता ना इनकी दी बच्चों का कोई एक बार नहीं है, देते हैं फिर वापस दोबारा ले जाते हैं। तो अभी चले पिक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है? तो चलिए गाइस, ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।